मतलब वो फिर वो मुझे गालियां वालियां देके चले गए, फिर वो मुझे, और खैर मैं फिर दोबारा मैयत में जाके बैठ गया। फिर मैं सोच रहा हूँ यार गलती कर दी है यार मैंने उनके साथ, मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था उन्हें। दोस्तों Vivo T3 Ultra स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Moto H50 Fusion स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से तो दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है। भाई बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार दोस्तों अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल कंटेंट वॉचिंग करनी है ना, मतलब फोन की डिस्प्ले और भी बढ़िया वाली चाहिए अगर आपको, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ से जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। अभी एकदम मजेदार वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। और IP रेटिंग की बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर IP68 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि दोस्तों आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगी दोनों फोन्स में भाई वाटर और डस्ट दोनों से, जो कि काफी अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं, जिसमें कि Vivo का फोन फ्रंट टच 14 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Moto का फोन हेलो UI पर बेस्ड है। दोस्तों UI के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं, लेकिन यार दोनों फोन्स की UI में ना थोड़े बहुत ब्लोटवेयर भी आपको भाई डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो Vivo के अंदर हमें Dimensity 9200 प्लस 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 2 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए यार दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों चिपसेट बड़ी हैं, लेकिन यार गेमिंग आप Moto के साथ में भाई एवरेज वाली कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको बढ़िया गेमिंग वाला फोन चाहिए ना भाई, जिसमें आप गेमिंग बिल्कुल अल्टीमेट वाली कर पाओ, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 9200 प्लस मिल रहा है जो कि एकदम अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा। और यार अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भी बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, वहीं दूसरी तरफ Moto फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो प्लस डेप्थ कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। देखिए यार दोस्तों Moto फोन का जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। शुरू में जब आप फोटोज क्लिक करोगे ऐसा लगेगा भाई एवरेज फोटोज क्लिक कर रहा है, लेकिन बाद में जब वो प्रोसेसिंग करेगा ना तो एकदम जबरदस्त फोटो लगेगी आपको देखने में, भाई आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कैमरा और भी अगर आपको ऑप्टिमाइज चाहिए हो नेचुरल डिटेलिंग के हिसाब से अगर आपको फोटोज को क्लिक करना है, तब तो आप यहां पर डेफिनेटली भाई Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। सेल्फी लवर्स की अगर हम बात करें तो भाई Vivo के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Moto के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अगेन दोस्तों Moto का सेल्फी कैमरा बढ़िया सेल्फी फोटो क्लिक कर देगा, लेकिन डिटेलिंग और भी शार्प वाली चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Vivo फोन यहाँ पर 5500 mAh की भाई बड़ी बैटरी के साथ में आता है जो कि 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Moto के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 68 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। भाई ओवरऑल बड़ी बैटरी भी चाहिए ना अगर आपको फोन के अंदर ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए, तब भी आप यहाँ पर Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन यार स्टीरियो स्पीकर्स अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो भाई Vivo फोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 31,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Moto फोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 23,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों Moto का फोन जिस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग आ रहा है ना, तो भाई ये फोन आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये फोन गेमिंग के लिए नहीं है भाई, तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अगर आपको अल्टीमेट वाली गेमिंग के हिसाब से फोन चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए।